तो बिल्कुल आपने सही सुना है। अब यहाँ पर बिना सीएससी केंद्र गए आप अपने मोबाइल से घर बैठे यहाँ पर जो पीएम किसान का ई केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे pmkisan.gov.in पर, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ई केवाईसी यहाँ पर मैनेटरी कर दिया गया है, जो कि पीएम किसान रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इज अवेलेबल। दोस्तों अब यहाँ पर ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी अवेलेबल कर दिया गया, पहले यहाँ पर नहीं था। अब यहाँ पर ओटीपी डालकर अपने यहाँ पर जो ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो सीएससी सेंटर पर भी जाकर के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस पर भी ई केवाईसी यहाँ पर जो कर पाएंगे, लेकिन आप ओटीपी के द्वारा अब यहाँ पर जो ई केवाईसी चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों ओटीपी बेस ई केवाईसी कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर आगे पीएम किसान का कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो फार्मर कॉर्नर के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे कि हाल ही में ऐड किया गया है ई केवाईसी और यहाँ पर न्यू करके हाईलाइट हो रहा है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा ओटीपी ई केवाईसी का। यहाँ पर आपको क्या करना, आपको अपने यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे सर्च वाला ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपसे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो जो भी आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। उनके बाद गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहाँ पर भेज दिया गया है, वो ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर फिलअप करना है। उनके बाद यहाँ पर आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। काफी देर इंतजार करने के बाद हमें अभी तक इनकी तरफ से कोई भी यहाँ पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको भी यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको भी यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आज ही यहाँ पर आधार ओटीपी ई केवाईसी को शुरू किया गया है, जिनकी वजह से काफी लोग यहां पर ई केवाईसी कर रहे हैं और यहां पर वेबसाइट भी यहां पर काफी स्लो काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोबारा से ट्राई करना है। अगर नहीं हो रहा तो आप रात में जरूर ट्राई करेंगे, 100% यहां पर आपका जो आधार ओटीपी यहां पर आ जाएगा और आप यहां पर बड़ी आसानी से यहां पर डाल करके सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर सक्सेसफुली यहां पर ई केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ देर तक वेट करना है क्योंकि यहां पर आज काफी सारे लोग यहां पर आधार ई केवाईसी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ देर बाद यहां पर वेबसाइट भी बंद देखने को मिले, तो आप यहां पर कुछ दिन तक वेट कर लीजिए और इनका लास्ट डेट जो है वो 31 मई तक रखा गया है। जानकारी आप लोगों को देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।